Hello, friends. A very warm welcome to all of you in today's English class. I really hope all of you are doing well. You are keeping yourself safe, or your preparation is chal very hai. I also hope that you are taking all the lectures, the classes that we are having here. वेरी रेगुलरली यू आर फॉलोइंग ऑल द शॉर्टकट्स ऑल द मैथड्स ऑल द टिप्स हेयर क्यू क्योंकि एज द एग्जाम इज कमिंग नियरर जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है वॉट रर्ली पेज ऑफ इन द एंड इज़ अ वेरी गुड फ्रेम ऑफ माइंड कॉन्फिडेंस एंड हाउ स्ट्रॉन्गली यू फील पॉजिटिव अबाउट द पेपर और ये सब कैसे होता है ये तभी पॉसिबल होता है कि जब हमारी प्रैक्टिस उन सारे शॉर्टकट्स और उन सारे मेथड्स पे बेस्ड हो के हम करते हैं उनको जिन्हें हम इस क्लास में डिस्कस करते हैं द मेन रीजन इन फैक्ट बिहाइंड गिविंग यू सो मेनी टिप्स बिहाइंड टेलिंग यू सो मेनी शॉर्टकट्स इज दैट ना कि सिर्फ एग्जाम के पास आने से पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाए बल्कि इसलिए भी कि आप अश्योर्ड हो जाएं कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट क्वेश्चन को आप कैसे आंसर करेंगे और यह बात बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली ट्रू है इंग्लिश पोर्शन को लेके आपके अपकमिंग आई बी पी एस पी ओ के प्री एग्जाम में क्योंकि इंग्लिश पेपर एक ऐसा पेपर है जहां सम क्वेश्चन लेके स्टूडेंट्स में बहुत फियर होता है जिनको लेके वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं राइट अप टू द पॉइंट जब तक एग्जाम बिल्कुल सर पे ही नहीं आ जाता और इसकी वजह भी यही है कि शॉर्टकट्स और ट्रिक्स के अनुसार उनकी प्रैक्टिस पूरी नहीं हो पाती सो दैट इज वाई आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कि क्लासेस को रेगुलरली लीजिए और अगर आप नहीं भी अब तक ले रहे हो तो वापस जाके देखिए देखिए कि कौन कौन सी ट्रिक्स हम यहां शेयर करते हैं सो दैट वे Whenever you practice, all the questions from your English language portion do ensure कि वो सारे इंट्रिक्स करें That is why आपका कॉन्फिडेंस इसी लिए बढ़ता जाएगा और यही वो एक आप कह सकते हैं मेथड है जिससे कि आप बिल्कुल पूरी तरह से मेंटली प्रिपेर्ड हो जाएंगे एग्जाम के आने तक lecture हम क्या डिस्कस करने वाले हैं सो एज यू कैन सी there आर टू टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टूडे फर्स्ट वन इज सेंटेंस कंप्लीस इज सेंटेंस इंप्रूवमेंट और सेकेंड वाले को हमें हम से कई लोग sentence correction भी कहते हैं एक ही बात है लेकिन अब बात यह है कि सेंटेंस कंप्लीशन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या फर्क है ज्यादातर लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं इन दोनों टॉपिक्स को लेकर

सेंटेंस इंप्रूवमेंट या करेक्शन में से आपको तीन से चार सवाल दे दिए जाते हैं लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच के कन्फ्यूज होते हैं कि ये दोनों एक ही बातें हैं लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है द ऑब्जेक्टिव ऑफ टूडेज लेक्चर इज टू प्रिपेयर यू एब्सोलूटली थरली इन दोनों टॉपिक्स में ये समझते हुए कि दोनों ही बिल्कुल अलग अलग बातें हैं दे मे लुक सिमिलर दे मे साउंड सिमिलर बट दे आर आटिकली डिफरेंट वेन इट कम्स टू डू इट सेंटेंस कंप्लीशन की अगर बात की जाए तो ये किस प्रकार से एग्जाम में आएगा किस तरह से आप सॉल्व करेंगे ये हम अभी बात करेंगे इन टूडेज लेक्चर और वंस वी आर डन विद सेंटेंस कंप्लीशन आई विल टेक यू टू द अदर टॉपिक विच इज सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्योंकि दोनों को अलग अलग करते हुए चलेंगे तभी हम समझेंगे हाउ एंड टू वट एक्सटेंट डू दे डिफर फ्रॉम वन एन अब चल के देखते हैं कि सेंटेंस कंप्लीशन क्या होता है If you analyze the previous year papers, specifically 17, 2017 का जो PO का प्री पेपर है एंड ऑल्सो 2019 PO नाइनटीन पी प्री पेपर आप देखेंगे बहुत सारे सवाल सेंटेंस कंप्लीशन में से आते हैं क्या होता है ये सेंटेंस कंप्लीशन जैसे कि नाम में लिखा है टाइटल के सेंटेंस कंप्लीशन से मतलब होता है एक अधूरे सेंटेंस को किसी इनकंप्लीट सेंटेंस को पूरा करना सो द टास्क दैट वी हैव एट आवर हैंड इज टू कंप्लीट अ सेंटेंस व्हिच इज नॉट कंप्लीट अब वो किसी भी तरह से इनकंप्लीट हो सकता है इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस फ्रैगमेंट अब क्या होता है सेंटेंस फ्रैगमेंट? सेंटेंस फ्रैगमेंट इज अ सेंटेंस जो कि आधा है ब्रोकन डाउन है विच इज नॉट अ कंप्लीट मीनिंग उसमें सब्जेक्ट मिसिंग हो सकता है उसमें वर्ब मिसिंग हो सकता है कई बार दोनों चीजों के होने के बाद भी वो सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा बिकॉज इट इज नॉट कन्वेइंग एनी सिमेंटिक सेंस उसमें कोई लॉजिक निकल के नहीं आ रहा है सो वेन एव समथिंग इज मिसिंग अ मीनिंग इज मिसिंग फ्रॉम द सेंटेंस इट बिकम्स एन इनकंप्लीट सेंटेंस और विच यू कैन कॉल एज फ्रैगमेंट सेंटेंस या फिर सेंटेंस फ्रैगमेंट इस तरह के जो सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट आते हैं उनका उद्देश्य ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कितनी सक्सेसफुली आप आइडेंटिफाई कर लें कि क्यों सेंटेंस आधा अधूरा है वाई इज द सेंटेंस इनकम्प्लीट बिकॉज ओनली देन यू कैन गो टू दी ऑप्शन एंड पिकअप अ राइट यू कैन से ऑल्टरनेटिव जो कि आपके गिवन सेंटेंस को पूरा करेगा कैसे आप ये काम करेंगे एंड हाउ डज अ सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चन लुक लाइक एज यू कैन सी हेयर वी हैव अ स्मॉल सैम्पल क्वेश्चन हेयर जिसको देख के आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हाउ डज अ सेंटेंस करेक्शन क्वेश्चन लुक लाइक इट इज सम वॉट लाइक दिस अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन बट इट इज इनकम्प्लीट बिकॉज देर इज अ ब्लैंक हियर लेकिन एट दिस पॉइंट स्टूडेंट्स ये भी सोचते हैं कई बार कि फिर ये सेंटेंस कंप्लीशन फिल इन द ब्लैंक से कैसे अलग है

फिल इन द ब्लैंक मीन सेंटेंस में गैप्स को भरना लेकिन सेंटेंस कंप्लीस का मतलब एक एप्सलूटली पार्शियल को पूरी तरह से फ्रेम करना उसको फॉर्म्यूलेट करना सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ द टेस्ट देर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज एक्सरसाइज इफ देंटेंस करेक्शन लुक समथिंग लाइक दिस देन हाउ डू वी सॉल्व इट लेट्स क्वेश्चन एंड सी कि कैसे हम इसे करेंगे ये वाला सेंटेंस जो आपके सामने दिया है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट का वो कहता है डैश यानी कि इज अ ब्लैंक एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस इट सेल्फ बट द हायर मैनेजमेंट डिस अग्रीज विथ हिम जैसा कि हर एक्सरसाइज हर टेस्ट हर सवाल के पहले मैं आपसे कहती हूं To, to be able to do something to be able to solve a question it becomes very critical to understand the meaning of that question the question Akhir kehna kya chahta hai. is sentence se hum kya hai? what meaning can we draw after reading the sentence that we have just read the sentence talk about it speaks about a situation where the higher management of any organization or any company is not agreeing with the opinion possibly of some employee दैट इज देंस दैट वी कैन ड्रॉ आफ्टर रीडिंग दिस इनकम्प्लीट सेंटेंस अब अगर एग्जाम में इस प्रकार का सवाल आपको दिया जाएगा तो साथ में ऑप्शन भी आपके पास होंगे जब आप ऑप्शंस को पढ़ेंगे सेंटेंस को समझने के बाद

सॉल्विंग दिस इश्यू बट द हायर मैनेजमेंट डिसअग्रीज विद हिम यानी कि द इम्प्लॉ इज एक्चुअली राइट द ओपिनियन ऑफ द इम्प्लॉय इज कंप्लीटली सेंसिबल डिस्पाइट दैट द हायर मैनेजमेंट इज नॉट बिलीव इंग हिम द हायर मैनेजमेंट डज नॉट वॉन्ट टू टेक हिज एडवाइज सो दिस सेंटेंस बिकम्स कंप्लीट आफ्टर फिलिंग दीज वर्ड्स इन द सेंटेंस इज इंट इट सो दिस इज सेल्फ माई फ्रेंड्स बिकम्स सेंटेंस कंप्लीशन यही आपको अपने क्वेश्चन में जब आएंगे वो एग्जाम में ऑन दिस टॉपिक तो यही काम आप वहां जाके करेंगे सो टू थिंग्स फ्रॉम दिस सेंटेंस कंप्लीशन इंट्रोडक्शन वन थिंग इज की ये फिल इन द ब्लैंक जैसा दिखता है लेकिन होता नहीं है यहां आपको सेंटेंस को पूरा करना होगा सेंटेंस में किसी भी प्रकार का आप कह सकते हैं ब्रेकेज हो सकता है इट कैन बी द ब्रेकेज ऑफ अ वर्ब इट कैन बी द ब्रेकेज ऑफ द सब्जेक्ट इट सेल्फ इट कैन बी द ब्रेकेज ऑफ सम काइंड ऑफ आप कह सकते हैं आर्टिकल इट कैन बी द ब्रेकेज ऑफ सम काइंड ऑफ पंचुएशन बट यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट ब्रेकेज एंड अकॉर्डिंगली यू विल फिल इट अप तो ये हो गई सेंटेंस करेक्शन क्या होता है इस पे बात अब टिप अगर बताई जाए कि आज की स्पेशल टिप क्या होनी चाहिए सेंटेंस कंप्लीशन को पूरा करने में तो मैं फिर वही इंसिस्ट करूँगी कि पहले आप सेंटेंस को रीड करेंगे डिस्पाइट द ब्लैंक इन इट, एंड देन यू विल ट्राई टू सी कि उसका मतलब क्या है

क्योंकि आपको याद होगा इन वन ऑफ आर लेक्चर्स जब हम बात कर रहे थे एरर स्पॉटिंग की व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द एरर स्पॉटिंग सेगमेंट मैंने आपसे कहा था कि एरर स्पॉटिंग होती है एक ऐसी एक्सरसाइज जहां आपको गिवन सेंटेंस में गलती ढूंढनी है गलती किसी भी तरह की हो सकती थी इफ यू रिमेंबर सेंटेंस इंप्रूवमेंट आप समझ लीजिए उसी बात से एक बात बढ़ के है इट इज जस्ट अ स्टेप मोर देन एरर स्पॉटिंग क्यों क्योंकि एरर अगर सेंटेंस में है तभी तो आप उसे इंप्रूव करेंगे इंप्रूव करना यानी कि, कि किसी चीज को चेंज करना उसको बेटर बनाना उसको एमिल्यूरेट करना आप कैसे करेंगे सेंटेंस को इंप्रूव यानी कि उसमें से गलती कैसे निकालेंगे पहले गलती पहचान के कि हां गलती सेंटेंस के गिवन पार्ट में है और इस गलती को हमें ठीक करना होगा सो दिस एक्ट ऑफ मेकिंग अ सेंटेंस करेक्ट बाय आइडेंटिफाइंग द मिस्टेक दैट हैज गिवन इन इट कोल्ड सेंटेंस इंप्रूवमेंट इसको ही हम सेंटेंस करेक्शन कहते हैं अब इस केस में आपको जो सवाल दिया जाएगा वहां भी आपको एक सेंटेंस या फिर एक आप कह सकते हैं स्टेटमेंट दे दिया जाएगा जिसमें कि कुछ शब्द या फिर कोई फ्रेज जो दिया गया होगा वो बोल्ड लेटर्स में दिया जाएगा या अंडरलाइन करके आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा क्या रीजन है कुछ शब्दों को या किसी फ्रेज को बोल्ड लेटर में देने का या फिर अंडरलाइन करने का वॉट इज द लॉजिक द लॉजिक माई डियर फ्रेंड इज सो दैट यू आइडेंटिफाई कि इस हाईलाइटेड पार्ट में ही गलती है जो भी फ्रेज या शब्द बोल्ड में है या अंडरलाइंड है दैट इज द हाईलाइटेड पार्ट एंड इट इज नॉट करेक्ट सो दैट इज वाई वंस यू सी दिस हाईलाइटेड पार्ट आप समझ जाएंगे कि गलती कहां है वंस यू नो दैट यू विल गो टू द ऑप्शन एंड सी की सही ऑप्शन क्या है एंड अकॉर्डिंगली यू विल चेंज इट एंड दैट्स इट योर टास्क इज डन ये हो गया आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट चल के देखते हैं कुछ बातें और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के बारे में यहाँ पर जब भी आप पहचान लेंगे कि हाँ हाईलाइटेड पार्ट में गलती है तो ये जानना भी जरूरी है कि गलती किस टाइप की है ओनली आइडेंटिफाइंग कि हाँ सामने सामने हाईलाइटेड है तो इसमें गलती होगी तो हम इसको चेंज कर देंगे लेकिन इसके बीच में भी एक स्टेप है वो ये है कि कैसे आप पहचानेंगे कि किस तरह की थी ये गलती आई हैव टोल्ड यू इन वन ऑफ आर लेसेंस जहां बात हुई थी एरर स्पॉटिंग की कि गलती किसी भी तरह की हो सकती है इट कैन बी अ स्पेलिंग मिस्टेक इट कैन बी द मिस्टेक ऑफ आप कह सकते हैं बैडली यूज आर्टिकल इट कैन बी द मिस्टेक ऑफ कॉमर्स प्लाइज इट कैन बी द मिस्टेक ऑफ आप कह सकते हैं प्लूरल वर्ब एंड सिंगुलर सब्जेक्ट इट कैन बी द मिस्टेक ऑफ पास टेंस और फ्यूचर टेंस इट कैन बी द मिस्टेक ऑफ यू नो रॉन्ग पंचुएशन किसी भी प्रकार की गलती आपके सामने दी जा सकती है दैट इज वेरी अनप्रोडिक्टेबल कि किस तरह की गलती सेंटेंस में होगी लेकिन एक बार हम समझ जाएंगे कि गलती क्या थी देन ओनली वी विल सक्सेसफुल पुल आउट द राइट ऑप्शन क्योंकि तभी हम आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे कि कौन सा सही ऑप्शन आउट ऑफ द वंस दट हैपन गिवन टू यू सो दिस ब्रॉडली बिकम्स योर सेंटेंस इंप्रूवमेंट एक्सरसाइज अब ये जानने के लिए कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट दिखता कैसा है वट विल अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेंटेंस

The greatest fear, which is scaring off the world today, is global warming. Very simple and easy sentence और बताता है sentence ये कि कैसे आजकल की दुनिया में लोगों को बहुत डर है and that is the biggest threat facing the world. What is that threat? The threat is coming from global warming, right? अब sentence में गलती तो है because it's right in front of us. जो भी आपका highlighted part है यही गलती है that we know. लेकिन गलती क्या है? What is the mistake? ये भी तो जानना जरूरी है मिस्टेक बहुत ही एविडेंट है द ग्रेटेस्ट फियर विच इज स्केयरिंग ऑफ द वर्ल्ड टूडे इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस अगर ये गलत है तो फिर सही ऑप्शन क्या है आपके पास चार ऑप्शन है ए बी सी एंड डी अगर आप सारे ऑप्शंस को देखें देन ओनली यू विल कम टू नो कि इस हाईलाइटेड फ्रेज की जगह कौन सा वर्ड आना चाहिए वो कुछ इस प्रकार होगा ए कहता है विच हैड स्केड ऑफ द वर्ल्ड अगेन इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस क्योंकि ना यहाँ पास टेंस की बात की गई है एंड स्केड ऑफ द वर्ल्ड बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है कि uh, उसने दुनिया को डराया था दिस इज नॉट मेकिंग एनी सेंस बी पार्ट कहता है दैट स्केर्स द वर्ल्ड जो दुनिया को आज डरा रहा है एक ऐसा फियर जिससे कि आज दुनिया में डर बैठा हुआ है दैट इज व्हाट द ऑप्शन बी सेज यानी कि ये बहुत ज़्यादा सही लग रहा है सुनने में एंड ऑप्शन नंबर सी कहता है दैट स्केड ऑफ द वर्ल्ड जिसने दुनिया को डरा दिया दैट स्केड ऑफ द वर्ल्ड तो ये भी बिल्कुल सेंसेबल नहीं है एज यू कैन सी बिकॉज दिस इज नॉट मेकिंग एनी ग्रामेटिकल सेंस आई दर एंड लास्ट वाला कहता है नो no इम्प्रूवमेंट जो कि हो नहीं सकता बिकॉज नेचुरली देर इज अ प्रॉब्लम विद द सेंटेंस सो दे फो बी बिकम्स द एब्सोलूटली करेक्ट चॉइस बिकॉज इफ यू सब्सटीट्यूट द रोंग पार्ट विथ बी ऑप्शन एंड देन रीड द सेंटेंस आप समझ जाएंगे कि बिल्कुल सही बन गया है सेंटेंस द ग्रेटेस्ट फियर दैट केज द वर्ल्ड टूडे इज ग्लोबल वार्मिंग सिंपल सी बात सीधी सी बात इट इज़ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन प्रेजेंट सेंस इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ एब्सोल्युटली लॉजिकल क्लियर आई होप एग्जाम्पल्स दोनों पढ़ के अब आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट uh, होते हैं इम्प्रूवमेंट एंड कंप्लीशन, एंड किस प्रकार से दोनों ही टॉपिक्स के सवाल जो है uh, दिखते हैं एंड हाउ विल यू आइडेंटिफाई देम वंस यू कन्फ्रेंट दैम इन योर एग्जाम ये तो हो गई एक बात अब अगर हम आगे बढ़ के क्वेश्चन आंसर सेक्शन पे जाते हैं सो so सबसे पहले वी हैव अ सैम्पल क्वेश्चन फ्रॉम द सेंटेंस कंप्लीशन पार्ट बिकॉज दोनों ही पार्ट में से एक एक्सैंपल क्वेश्चन करके आई हैव हियर फॉर यू टूडे मिक्स बैग ऑफ क्वेश्चन जिसमें से प्रीवियस ईयर में आए हुए सवालों को ही मैं लेके आई हूं एक्सक्लूसिवली सो दैट यू गेट कॉन्फिडेंट कि हाँ इस टाइप के ही सवाल एग्जाम में आने वाले हैं इट प्रिपेयर्स यू मेंटली ऑल्सो इट्स अ वेरी गुड आप कह सकते हैं इनसाइट फॉर यू कि इसी तरह की चीज आपको देखने को मिलेगी आपके आने वाले एग्जाम में इन दोनों सेक्शन में से बट बिफोर प्रोसीडिंग विद दो कैसे प्रैक्टिकली इस तरह के सवालों को सोल्व किया जाएगा सो लेट्स डू देम फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन यानी कि सैम्पल क्वेश्चन जो हमारा है इट इज कमिंग फ्रॉम द सेंटेंस कंप्लीशन पार्ट एंड द क्वेश्चन सेज फॉर कोर्ट इन इंडिया देर इज अ ब्लैंक There must be a change in leadership, thought, and the willingness to seek help where it is evidently required. After reading the sentence, हम ये जानते हैं कि ये पूरा नहीं है ऑब्वियसली दिस इज अ ब्लैंक बट वट एव सेंस वी कैन मेक आउट ऑफ दिस इनकम्प्लीट सेंटेंस इसकी बात हो रही है कैसे इंडिया में जो कोर्ट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा जरूरत है एक चेंज इन लीडरशिप की एक बहुत ज्यादा अपने विजन को चेंज करने की सो दैट दे आर इन अ सिचुएशन जहां उनकी फंक्शनिंग इम्प्रूव हो सके सो दैट दे कैन बिकम बेटर एट वट दे आर डूइंग ऑलरेडी सो दिस इज ब्रॉडली वट द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू टेल अस लेकिन अब आफ्टर सींग दिस प्यो

नाउ हाउ मच सेंस इज इट मेकिंग टू यू कि प्रैक्टिस में लाइए क्या प्रैक्टिस में लाइए कंप्लीट जस्टिस को इट इज़ नॉट मेकिंग एनी सेंस टू अस I can see बहुत सारे students यहाँ पे आ, C option को tick कर रहे हैं and uh, they it's good that it shows that they are actually uh, getting very familiar with the question उनको ये भी समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से इसको करना है and uh, let's uh, read the options and see कि क्या जो हमारे friends यहाँ बता रहे हैं repeatedly ज़्यादा से ज़्यादा लोग C कह रहे हैं let's have a look whether it is correct or not B कहता है to dispose of complete justice अब to dispose of complete justice dispose of यानि कि किसी चीज़ को फेंक देना किसी चीज को पूरी तरह से खत्म कर देना सो नेचुरली दिस इज ऑल्सो नॉट सेंसिबल अब जैसा कि आपने कहा है To dispense speedy justice. अब dispense से हमारा क्या मतलब है किसी को distribute करना किसी चीज को किसी चीज को provide करना किसी चीज को देना तो obviously courts का काम ही होता है dispense करना speedy justice यानी कि जल्दी से जल्दी justice provide करना so yes option C in all likelihood टू बी द राइट आंसर लेकिन फिर भी क्योंकि छोड़ा तो नहीं है एंड ऑप्शन जो कि बिल्कुल गलत है एंड लास्ट ऑप्शन कहता है टू फॉलो द पाथ ऑफ इनजस्टिस भी बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है यानी कि यू आर एब्सोलुटली करेक्ट और ऑप्शन नंबर सी ही हमारा इस केस में सही उत्तर है ऑल राइट अब अगला सवाल जो सैंपल क्वेश्चन है दैट इज कमिंग फ्रॉम सेंटेंस इंप्रूवमेंट सेक्शन तो देखते हैं यहां हमें क्या करना है एंड जैसे आपने पहला वाला क्वेश्चन किया था सो लुक एट दिस क्वेश्चन एज वेल रीड इट लेकिन समझते हुए पढ़िए एंड देन लेट्स डू इट टुगेदर कि यह सवाल हमसे क्या कहता है

ज़्यादा आप कह सकते हैं एक ब्रेव फेस जो होता है उसे कहते हैं फोर्टिट्यूड इन द फेस ऑफ एक्सट्रीम ऑर्ड यानी कि बहुत ज्यादा परेशानियों के केस में हाउ इंडियन एयरफोर्स हैज प्लेड इट्स रोल सो दिस इज वट द क्वेश्चन इज ब्रॉडली ट्राइंग टू से कि uh, कैसे इंडियन एयरफोर्स का रोल रहा है नेशन के डिफेंस में वॉट एन इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इट हैज डन एंड हाउ इट इज फुल ऑफ न्यूमरस स्टोरीज इट इज रिप्लीट ऑफ बहुत सारी कहानियां बहुत सारे किस्से बहुत सारे एविडेंसेज ऑफ एक्सट्रीम ब्रेवरी एंड एक्सट्रीम करेज यही बात हुई है क्वेश्चन में लेकिन अगर हम देखें कि गलती कहाँ है तो गलती यहां है रिप्लीट ऑफ न्यूमरस काउंट्स अब आप जानते हैं रिप्लीट से आपका क्या मतलब है कि रिप्लीट मीन्स समथिंग विच इज फुल ऑफ समथिंग रिप्लीट से मतलब है कि कोई चीज जो बहुत uh, किसी चीज से भरी हुई है समथिंग विच इज एक्चुअली इन अ लार्ज नंबर रिप्लीट ऑफ समथिंग रिप्लीट का मतलब कि कोई चीज़ जो एक्सट्रीम नंबर में किसी चीज़ से बिल्कुल सेटिस्फाइड एसेशिएटेड है एब्सोल्युटली है, इस केस में कहते हैं रिप्लीट ऑफ न्यूमरस अकाउंट्स लेकिन ये यूजेज सही नहीं है तो फिर क्या है सही यूजेज लेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शंस आप भी मेरे साथ देखिए एंड लेट्स हैव अ लुक ए कहता है रिप्लीट ऑफ न्यूमरस अकाउंट्स लेकिन रिप्लीट ऑफ न्यूमरस अकाउंट्स विल नॉट मेक करेक्ट सेंस क्योंकि रिप्लीट है न्यूमरस किस्सों से लेकिन जब हम रिप्लीट वर्ड यूज करते हैं तो ऑफ का यूजेज यहां सही नहीं है ऑप्शन नंबर बी कहता है रिप्लीट रिप्लीट विद विद न्यूमरस न्यूमरस अकाउंट्स अकाउंट्स यस बिकॉज कोई चीज अगर किसी से भरी हुई है सो ऑब्वियसली वी हैव टू से रिप्लीट विद न्यूमरस अकाउंट्स थर्ड कहता है रिप्लीट बाय न्यूमरस अकाउंट्स अब बाय तो बिल्कुल भी इनकरेक्ट यूजेज है बिकॉज वी नेवर से रिप्लीट बाय किसी चीज से कोई चीज भरी हुई है इट इज नॉट

थ्रू न्यूमरस अकाउंट्स अगेन द वर्ड थ्रू इज एब्सोलूटली इनकरेक्ट ये बिल्कुल सही इस्तेमाल नहीं किया गया है वी के नॉट से रिप्लीट थ्रू सो ये भी ऑप्शन गलत है नो करेक्शन रिक्वायर्ड बिल्कुल सही नहीं है तो है तो फिर क्या था सही उत्तर आप में से कुछ लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर बी और कुछ लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर सी आधे लोगों की ओपिनियन है बी और आधों की सी है इट वेरी वेरी डिवाइडेड लेकिन अगर हम रोल आउट करके देखें एलिमिनेशन थ्योरी से तो द ओनली ऑप्शन विच इज करेक्ट हेयर इज द ऑप्शन नंबर बी बिकॉज येस इट इज रिप्लीट विथ न्यू अकाउंट इसलिए जब भी आप रिप्लीट वर्ड का यूज करें यू हैव टू बी कॉन्शियस किस प्रकार से वो यूज है एंड एवरी थिंग और एनीथिंग कैन बी रिप्लीट विद समथिंग सो दैट इज वाई ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सेंसिबल है अब अगर आगे बढ़ के देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन तो लेट स्टार्ट डूइंग दिस मिक्स्ड बैग ऑफ क्वेश्चंस दैट वी हैव फ्रॉम द सेंटेंस इंप्रूवमेंट एज वेल एज आप कह सकते हैं सेंटेंस करेक्शन सेक्शन तो लेट्स गो एंड हैव अ लुक कि कौन कौन से सवाल हैं हमारे पास लेट्स डू देम टुगेदर इवन इफ यू आर हैविंग डिफिकल्टीज या आप कॉन्फिडेंट नहीं है इट इज़ एब्सोल्यूटली ओके वन बाय वन यू कैन कीप एनालाइजिंग दम लेकिन वन मोर थिंग माई फ्रेंड्स दीज आर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विच हैव बिन अप फ्रॉम योर प्रीवियस योर पेपर्स सो प्लीज़ हैव अ केयरफुल लुक एट दैम बिकॉज इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी सीन द लास्ट ईयर पेपर इट इज अ वेरी गुड इनसाइट फॉर यू की यस दिस इज वॉट विल कम इन द एग्जाम एक्जैक्टली सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर वन और देखते हैं इसमें हमें कैसे करना है कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करनी है कैसे सॉल्व करना है सो प्लीज डू इट विद मी एंड लेट्स रीड ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ पहला क्वेश्चन कहता है द हाई कोर्ट द हाई कोर्ट हैज डैश द स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग द ड्यन अलाउेंस ड्यूज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज

स्टेट गवर्नमेंट से अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट इंप्लाइज की कुछ अलाउेंस के बारे में दिस इज द ब्रॉड इशू ऑफ द क्वेश्चन नाउ इफ यू हैव अ लुक एट द ब्लैंक देन वी हैव टू फाइंड आउट द ऑप्शंस जो ब्लैंक को सक्सेसफुली फिल करेंगे रिस्पांस टू नहीं होगा क्योंकि हमने देखा कि हाई कोर्ट ने मांगी है रिस्पॉन्स किससे स्टेट गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट से रिस्पॉन्स मांगी है तो टू कैसे हो सकता है इफ आई आस्ट समथिंग फ्रॉम यू इट विल बी फ्रॉम यू आई आस्ट फॉर अ कैंडी फ्रॉम माय फ्रेंड आई आस्ट फॉर हेल्प फ्रॉम माय सिस्टर हेल्प मांगी है फ्रॉम जवाब मांगा है रिस्पॉन्स मांगा है किसी से यानी कि फ्रॉम इज द वर्ड टू नहीं है आई कैन नॉट से आई हैव आस्ट फॉर हेल्प टू माई सिस्टर आई हैव आस्ट फॉर अ चॉकलेट टू माई फ्रेंड दैट इज नॉट मेकिंग सेंस इसलिए ये गलत है बी कहता है सॉर्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम यहां फ्रॉम वर्ड का सही एकदम सही इस्तेमाल है लेकिन स्टिल वी विल गो एंड सी कि बाकी के ऑप्शन क्या है थर्ड कहता है सॉर्ट रिस्पॉन्स ऑफ अब यहां भी आप देख सकते हैं दिस हिस इन अप्रोप्रिएट क्योंकि हेल्प ऑफ uh, के केस में आप नहीं ऑफ यूज कर सकते वेन यू आर आस्किंग फॉर समथिंग फ्रॉम समबडी यू कॉन्ट से आई हैव आस्ड फॉर अ चॉकलेट ऑफ माई फ्रेंड वो गलत है अगला कहता है सॉर्ट रिस्पॉन्स अबाउट अब यहां भी अबाउट नहीं हो सकता बिकॉज वी के नॉट से शोर अ रिस्पॉन्स अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट इट इज नॉट करेक्ट सो द ओनली ऑप्शन यू कैन से करेक्ट इज बी जैसे कि कई स्टूडेंट्स ने यहां पे कई बच्चों ने बोला भी है कि हां जी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है एंड दे आर एब्सोलूटली राइट और जिनको नहीं लगता सही है अब आई एम श्योर समझने के बाद थ्रू और एलिमिनेशन थ्योरी आप भी समझ गए होंगे कि किस लिए हमने बी को ही सही उत्तर माना है बिकॉज इट हैज टू बी रिस्पॉन्स फ्रॉम एंड इट के नॉट बी एनी थिंग एल्स सो हैविंग सेट दिस लेट्स गो एंड लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये वाला सवाल कैसे क्या कहने की uh, कोशिश करता है सवाल कहता है इन द फुटिल्स एंड प्लेन्स इन द फुटिल्स एंड प्लेन्स देन देर इज अ ब्लैंक गिवन टू यू द दॉटर कैन स्प्रेड एंड बी क्विकली अब्सॉर्ब इन टू अंडरग्राउंड एक्विफायर्स बताया गया है एक छोटा सा स्टेटमेंट uh, में दे आर ट्राइंग टू टेल यू अबाउट अ सिचुएशन इन सम हिली एरिया इन सम हिली टेरेन जहाँ पे किस प्रकार से वाटर uh, जो है वो किस तरह से अंडरग्राउंड अब्जॉर्ब हो जाता है तो उसके लिए किसी चीज़ की ज़रूरत है इट लुक्स लाइक द सेंटेंस वॉन्ट्स टू टॉक अबाउट समथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड नॉट इज़ दैट थिंग रीड द सेंटेंस वंस अगेन इवन इफ यू फील दैट यू नो इट इट इज इंपॉर्टेंट टू रीड इट बिकॉज़ एक रीडिंग में अक्सर हम मतलब नहीं समझ पाते एंड रिपीटेडली हैव टोल्ड यू कि कोई चीज सॉल्व करने के पहले उसे समझना मैंडेटरी है बहुत ही आवश्यक है सो लेट्स रीड इट क्विकली वंस मोर एंड सी की कौन सी चीज ऐसी होनी चाहिए यहां पर जो सेंटेंस मांग रहा है आपसे इस ब्लैंक में इट से फुट हिल्स एंड प्लेन्स डैश द वॉटर कैन स्प्रेड एंड बी क्विकली अब्सॉर्ब इन अंडरग्राउंड एक्विफायर्स ऑप्शन नंबर ए कहता है देर मस्ट बी अ वैक्यूम वेयर नाउ ऑब्वियसली वैक्यूम इज नॉट मेकिंग एनी सेंस बिकॉज इफ देर मस्ट बी अ वैक्यूम वेयर द वॉटर कैन स्प्रेड इन अ वैक्यूम नथिंग कैन स्प्रेड सो इट इज एब्सोलूटली नॉट करेक्ट बी कहता है वेयर कुड बी अ स्पेस अब इसको अगर आप फिट करके देखिए तो भी ये सेंसिबल नहीं है

राइट आंसर सी एप्सोलूटली करेक्ट एंड दोन आई एम श्योर एलिमिनेशन यूज करने के बाद आपको भी क्लियर होगा माई फ्रेंड्स की क्यों ये सी ही होगा अगला सवाल आपका लेट्स वॉट डिस क्वेश्चन है क्वेश्चन में Pehle hi blank hai. Right at the beginning, there is a huge blank given to us. Let's have a look and see. Blank, it is proposed to establish an organization. to provide credit enhancement for infrastructure and housing pro projects. But we have a kind of situation, a kind of आप कह सकते हो incidents जहाँ पे propose uh, किया गया है कोई भी इस तरह का uh, policy या कोई भी इस तरह की approach जिसकी वजह से uh, एक organisation establish होगी जो credit enhancement provide करेगी किसके लिए infrastructure और housing projects को finance करने के लिए simple sentence. लेकिन blank पहले ही part में है. So we need to see the options कि कौन सा option इसको पूरा करेगा लेट्स हैव अ लुक नाउ डैश इट इज प्रपोज टू वॉट इज प्रपोज टू ए इन ऑर्डर फॉर इंप्रूवमेंट एक्सेस विद लॉन्ग टर्म फाइनेंस इन ऑर्डर फॉर इंप्रूवमेंट एक्सेस विद लॉन्ग टर्म फाइनेंस और दिस इज नॉट मेकिंग एनी गुड सेंस क्योंकि इन ऑर्डर फॉर इंप्रूवमेंट एक्सेस हाउ विल यू से फॉर इंप्रूवमेंट एक्सेस विद लॉन्ग टर्म फाइनेंस इट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट कंप्लीटली अगला कहता है इन

इम्प्रूव एक्सेस टू लॉन्ग टर्म फाइनेंस एब्सोलुटली एंड ग्रामेटिकली करेक्ट इज वेल यानी कि सी अब तक बिल्कुल सही है लेकिन हम देखेंगे बी आखिरी ऑप्शन भी अपना सो दैट वी डोन्ट हैनी थिंग और डी ऑप्शन कहता है इन ऑर्डर इन इम्प्रूविंग एक्सेस अगेंस्ट लॉन्ग टर्म फाइनेंस तो ये तो बिल्कुल सेंसलेस है बिकॉज वी के नॉट से अगेंस्ट लॉन्ग टर्म फाइनेंस दैट इज वाई ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट चॉइस एंड दोट सी यू आर एब्सोलूटली राइट सी ही हमारा उत्तर है अगला सवाल यानी कि फोर्थ क्वेश्चन हमसे कहता है कि uh, आपको दिए गए हैं दो कॉलम्स अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्यों ध्यान से देखिए बहुत ज्यादा बिकॉज दिस इज वन क्वेश्चन विच हैजिन वर्टम बिल्कुल हु बहु यह क्वेश्चन लिया गया है कहां से uh, आपके प्री एग्जाम आई बी पी एस पी ओ प्री एग्जाम टू थाउजेंड एटीन सेक्शन से इस क्वेश्चन को एज सच वर उठा के आपको दिया गया है बिकॉज दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड दिस इज द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन एट यूजुअली हैज़ बिन कमिंग वेन इट कम्स टू सेंटेंस कंप्लीशन अब सेंटेंस कंप्लीशन में यहां पे क्या ट्विस्ट है क्यों ये थोड़ा सा दिखने में अलग है क्योंकि इस केस में एग्जाम में आपको उन्होंने दो सेट ऑफ सेंटेंसेस दिए होंगे वन सेट ऑफ सेंटेंसेस ए बी एंड सी एंड द अदर सेट ऑफ सेंटेंसेस इज डी ई एंड एफ दोनों को अलग अलग दिया गया है कॉलम वन एंड कॉलम टू बोल के आपने क्या करना है कि देखना है कौन से सेंटेंसेस कॉलम नंबर वन में जो है दे मैच परफेक्टली विद देयर अदर पार्ट्स इन द कॉलम नंबर टू सो इट इज मोरोलेस मैच द फॉलोइंग एक्सरसाइज आप कह सकते हैं दिस इज काइंड ऑफ मोरोलेस एक उस तरह का मैच द तो फॉलोइंग जो आपने पहले भी कई बार देखा होगा इट इज अ काइंड ऑफ थिंग विच यू हैव बिन फेमिलियर टू और यू हैव सीन दिस बिफोर लेकिन यहां ये यह अलग इसलिए है बिकॉज कई बार सेंटेंस मैच नहीं भी करते इट इज नॉट नेसेसरी दैट इफ इन कॉलम वन यू हैव थ्री सेंटेंसेज देन ऑल ऑफ देम हैव टू हैव देयर रिस्पेक्टिव यू नो रिमेनिंग पार्ट इन द अदर कॉलम परफेक्टली मैचिंग इट्स नॉट लाइक दैट अगर मैचिंग नहीं है यू कैन जस्ट लीव इट अगर मैचिंग है यू विल मेक अ मैच एंड देन अकॉर्डिंगली सेलेक्ट द ऑप्शन कि कौन सा पार्ट किससे मैच कर रहा है सो दैट इज हाउ क्वेश्चन समटाइम्स कम एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर सेंटेंस कंप्लीशन में से आएगा तो इस तरह का बहुत ज्यादा देखा गया है और यह भी आपके एग्जाम का ही है सो हैव अ लोकेटेड ट्राई टू सोल्व इट एंड देन आई विल ऑल्सो डू इट फॉर यू जस्ट इन केस जिन्होंने नहीं देखे हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स उनके लिए बहुत ज्यादा ये एक बेनिफिशियल एक्सरसाइज है एंड लेट इस डू इट योर एंड सी कि इस तरह के सेगमेंट में uh, मतलब इस तरह के अगर पैटर्न में सवाल आता है तो उसको फिर आप कैसे करेंगे अटैम्प्ट लेट्स डू दैट नाउ कॉलम नंबर वन में जो तीन सवाल हैं उसको हम पहले एक के बाद एक देख लेते हैं टू सी व्हाट आर दे ट्राइंग टू टेल अस पहला कहता है यानी कि ए कहता है वी बिलीव इन अ सर्कुलर रादर ऑब्वियसली इसका जो अगला पार्ट है वो कॉलम नंबर बी में आपको मिलेगा बी कहता है द रिग ऋग्वेद वाज रिटन मोर देन 3800 इयर्स अगो सी पार्ट कहता है द वर्ल्ड जगनोट वाज ओरिजनली यूज टू डिनोट द रथ यात्रा टेम्पल कार यानी कि आप जानते हैं कैसे आपकी जो बहुत फेमस यात्रा है जगन्नाथपुरी में उसको उसके बारे में रेफर किया गया है यहाँ कि कैसे ये जो वर्ड जगनॉट है इसका जो ओरिजिन है दैट हैज कम फ्रॉम द रथ यात्रा एंड द वर्ड जगनॉट मीन्स समथिंग दैट इज कमिंग विद अज फोर्स अ डिल्यूज ऑफ समथिंग समथिंग विच इज कमिंग विद अ लॉट ऑफ थंड पार एंड यू नो इ व वेरी स्टॉर्मी वे विद अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट दैट इज वॉट द वर्ड मीन्स ओरिजनली तो ये देख के कि पहले कॉलम में क्या सेंटेंस है एक बार चल के फेमिलियर हो जाए कि बी में भी आपके कौन कौन से वेदर इज सुपीरियर टू एल्बर्ट आइंसटाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इक्वेशन ई कहता है रादर दैन अ लीनियर कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम रादर क्योंकि हमने ऑलरेडी राधर पढ़ा है ये कहता है दैन अ लीनियर कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम F जो लास्ट सेंटेंस है कॉलम नंबर टू का वो कहता है अब जब बात मैच करने की होगी सो लेट्स पिक दम अपन बाई वन एंड सी के कौन कौन से मैच होते हैं यहां ए जो सेंटेंस है वो कहता है वी बिलीव इन अर्क्यूलर रादर अब रादर के बाद कौन सा वर्ड आएगा

अब वो कहता है कि कैसे इतने साल पहले लिखा गया था एंड हाउ इज इट सुपीरियर टू एल्बर्ट आइनस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इक्वेशन कि यस इज अ ये यू कैन से मैच बिटवीन दीज टू आल्सो तो हम कह सकते हैं कि द बी इज मैचिंग योर डी सिमिलरली थर्ड वर्ड थर्ड जो सेंटेंस है वो कहता था दर्ड जगनोट वॉज ओरिजिनली यूज टू डिनोट द रथ यात्रा टेम्पल कार क्योंकि ये दोनों हो गए तो वी हैव टू कंसिडर एफ नाउ विच सो मैसिव इट कुड क्रश डिवोटीज अंडर द व्हील इन अ वे दिस सेंटेंस इज ऑल्सो ट्राइंग टू डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द वर्ड जगनोट यानी कि ये भी बिल्कुल परफेक्ट मैचिज हैं तो अब हमारे पास चूंकि सारे पेयर हैं तो हम कह सकते हैं विच इज द राइट आंसर राइट आंसर है ए ई दिस इज नॉट द वन यहां पे ए और ई मैचिंग है

फर्स्ट कॉलम कॉलम नंबर टू यानी कि हमारा दूसरा कॉलम कॉलम नंबर वन का पहला सेंटेंस ए कहता है अ गार्बेज पैच इन द पैसिफिक ओशन बी कहता है दिज अ मैस ऑफ फ्लोटिंग रबिश इन द पैसिफिक ओशन वेइंग अराउंड एंड देन डोट नो की आगे क्या बात हुई सी सेंटेंसाउटी परसेंट ऑफ द प्लास्टिको ब्रॉडली की बात हो रही है किसी तरह के आप कह सकते हैं सॉलिड वेस्ट पल्यूशन की जो की हो रहा है पेसिफिक ओशन में कि कैसे ओशन की फ्लोर में बहुत ज्यादा डंप मटीरियल मिल रहा है दैट इज द ब्रॉड टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन द क्वेश्चन अब देखते हैं कि अगले कॉलम का पहला सेंटेंस क्या कहता है इज बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैंड बेस्ड एक्टिविटीज ई कहता है टू हेल्प फार्मर्स टू ऑलमोस्ट ट्वाइस द साइज ऑफ फ्रांस। या ये देखने के बाद चल के देखते हैं अपना कि कौन से क्वेश्चन uh, कौन से वाले रिमेनिंग पोर्शंस के साथ परफेक्ट मैच बैठेंगे सेंटेंसेस विल मैच देयर रिस्पेक्टिव पार्ट्स इन द सेकंड कॉलम एंड हाउ शुड वी डू दैट लेट्स डू इट पहले कॉलम का पहला uh, जो सेंटेंस है वो है ए सेंटेंस यानी कि अ गार्बेज पैच इन द पैसिफिक ओशन अब कौन सा रिमेनिंग सेंटेंस इसको मैच करेगा लेट्स सी अ गार्बेज पैच इन द पैसिफिक ओशन इज बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैंड बेस्ड एक्टिविटीज ये

गार्बेज पैच इन दिक ओशन हैज स्ट्रेच टू ऑलमोस्ट ट्वाइस द साइज ऑफ फ्रांस दिस वी कैन से बिकॉज दिस इज डिस्क्राइबिंग द साइज ऑफ द गार्बेज पैच तो इसमें हम कह सकते हैं कि येस

अगला अगर हम देखें कि uh, क्या सेंटेंस बता रहा है सेंटेंस नंबर सी कहता है अबाउट एटी परसेंट ऑफ द प्लास्टिक ट्रैश दैट मेक्स अप द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच इज बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैंड बेस्ड एक्टिविटीज यस दिस वी कैन से क्यू क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल यूज्ड है डी ग्रेट पेसिफिक गार्बेज पैच अब स्पेसिफिकली इस पैच के बारे में बात की गई है जो हम जान गए हैं जिसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है सो नाउ वी कैन से दैट येस अगर बात की जाए साइज की सो इट विल स्प्रेड सम वॉट टू दिस मच और कैसे वो ओरिजिनेट किया गया है क्या है उसका जेनेसिस जेनेसिस है ड बेस्ड एक्टिविटीज की किस वजह से ये बना इन द फर्स्ट प्लेस इसका डिस्क्रिप्शन वहां है सो यस सी एंड डी ऑल्सो मेक अ मैच तो अगर ए एंड एफ मैचड है सी एंड डी मैच्ड है तो नेचुरली इन तीनों में से हमारा लास्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि बाकी मैच नहीं बनाते वी हैव टू लीव द ऑप्शन नंबर बी एब्सोलूटली अनटचड क्योंकि उसका यहां कोई मैच नहीं है सो so इसलिए अगर एग्जाम में भी ऐसे सवाल आए कई बार जहां स्टेटमेंट्स मैच नहीं बनाते विच यू डू नॉट नो टैली विद द अदर सेंटेंस

एक कहता है ओवर फिशिंग कैन रेक ज्यादा हेवॉक क्रिएट कर सकता है कॉज कर सकता है किसको टू मरीन इकोलॉजी मरीन इकोलॉजी से क्या मतलब है हमारा यानी यानी कि कि लाइफ सी लाइफ सी इकोलॉजी प्लांट्स एंड एनिमल्स जो सी को बिलोंग करते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड कंप्लीटली आगे क्या है पता नहीं है हमें अगला कहता है अनसस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिस ओवर द लास्ट फ्यू हैव पुश्ड किसको पुश किया है वी हैव टू सी सी कहता है ऑयल डिस्ट्रॉयज द इंसुलेटिंग यानी कि प्रोटेक्टिंग खुद को बचाने वाली एंड वॉटर रेपेलेंट प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी वी हैव टू सी अगला कहता है इवेंचुअली अक्यूमुलेटिंग इन रिमोट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड ओशंस अगला कहता है आर ओशंस टू अट वे अगर हम ए से पिक करते हैं और स्टार्ट करते हैं तो ए सेंटेंस कहता है ओवर फिशिंग कैन रेक हे वर्क टू मरीनोलॉजी एंड कम्प्लीटली वॉट कम्प्लीटली क्या होगा कंप्लीटली इवेंचुअली बिल्कुल नहीं सो ए एंड डी डोंट मैच ए एंड ई देखते हैं मैच करते हैं कि नहीं कंप्लीटली आर ओशंस टू अ पॉइंट मैच एट ऑल यह भी मैच नहीं किया ए एंड एफ द मरीन एनिमल्स इकोलॉजी एंड कंप्लीटली नहीं बी को पिकअप करते हैं बी कहता है अनसस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिस ओवर द लास्ट फ्यू डीज पुस्ट किस को पुष्ट किया पुष्ट हु मरीन एनिमल्स मेकिंग नो सेंस इट हैज

अब अगर हम सी पार्ट को देखें तो देखे सी क्या कहता है सी कहता है ऑयल डिस्ट्रॉइज द इंसुलेटिंग एंड वॉटर रिपेलेंट प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी प्रॉपर्टीज ये दो इवेंचुअली तो हो नहीं सकता बिकॉज इट इज नॉट कमिंग इन द राइट वे ई इज ऑलरेडी टेकन तो बचा हमारे पास एफ अब अगर हम कहें कि रिपेलेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द मरीन एनिमल्स एक्सपोजिंग देम टू हार्श एनवायरनमेंट देन यस वी कैन से से इट इट इज मेकिंग लॉजिक देयरफॉर वी कैन यस सी एंड एफ आल्सो कंबाइन टुगेदर वंडरफुली वेल सो द ऑप्शंस दैट वी हैव इज बी एंड ई सी एंड एफ या बी एंड ई सी एंड एफ यानी कि पहला ऑप्शन जो आपका होगा वही आपका 100% करेक्ट होगा दैट इज व्हाई वी कैन से कि बहुत ही ईजिली कैसे आपने जो नहीं चाहिए था वो छोड़ दिया और जो चाहिए था उसे पिकअप करके अपना राइट ऑप्शन आइडेंटिफाई कर लिया आई होप इट्स बिकमिंग मोर क्लियर टू यू नाउ एंड यू आर आल्सो गेटिंग अ बेटर एक्सपीरियंस की हाँ इस पैटर्न पे अगर सवाल आए तो कैसे आप एग्जाम में उसको करने वाले हैं दिस इज एग्जैक्टली वट वी हैव टू डू इन टूडे सेशन दैट वी हैव टू मास्टर द काइंड ऑफ पैटर्न दैट विल कम इन द एग्जाम सो इन द सेम स्ट्रीम ऑफ थॉट इसको भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन को चूंकि वो भी सेम पैटर्न में है और आपके प्रीवियस ईयर से लिया हुआ है तो चल के देखते हैं कि वॉट इज

आप कह सकते हैं किसी चीज को शुरुआत करनी किसी चीज की सेवरल सक्सेसफुल फेसबुक प्रोजेक्ट्स सी कहता है इन द हॉल ऑफ फेम ऑफ वमेन ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग एंड पेंटिंग देयर नेम ऑन इट अगले कॉलम में जो क्वेश्चंस हैं वो वो भी आ, इससे रिलेटेड हैं और कहते हैं एंड एंडेड अप बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू ऑब्टेन द डिग्री इन वेस्टर्न मेडिसिन इन 1800 अगला कहता है टू नो सो मच अबाउट देम एज पॉसिबल एफ कहता है दैट हैव मेड द सोशल नेटवर्किंग साइट द मार्केट जायंट it is today up after now reading these questions uh, we can see key कैसे हम ढूंढेंगे ए में से uh, कौन कौन से सेंटेंसेज यहाँ मैच करेंगे देन बी में से देन सी में से सेम स्ट्रेटेजी वी विल यूज विच वी हैव बीन यूजिंग सो फार वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट सम काइंड ऑफ इनोवेशन ऑफ अ ग्रुप डन बाय सम लेडी एट द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जिसकी वजह से uh, एक आप कह सकते हैं विमेन uh, के लिए एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ एंड हाउ विमेन बिकेम मोर रिप्रेजेंटेटिव सो इट इज समथिंग लाइक दैट अब देखते हैं कि हाउ टू फाइंड द मैचेस ए कहता है एट हार्वर्ड शेरिल फाउंडेड अ ग्रुप मैन टू इनकरेज वेमेन आगे है एंड एंडेड अपमिंग द फर्स्ट इंडियन वीमन नाउ दिस इज नॉट मेकिंग एनी लॉजिक विद दिस बिकॉज इट इज नॉट कमिंग इन अ फ्लो अगर ए देखिए तो टू नो एज मच अबाउट देम एज पॉसिबल दिस इज ऑल्सो नॉट मेकिंग मच सेंस हियर एफ कहता है दैट हैव मेड द सोशल नेटवर्किंग साइट द मार्केट जॉय दैट इट इज टू डे अगेर इज नो मैच सो वी कैन से ये वाला किसी से भी ठीक से मैच नहीं हो रहा है सो so फार आगे कहता है शरल सानबर्ग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्योर हेडिंग सेवर सक्सेसफुल फेसबुक ए है एंड एंडेड बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन अगेन इट इज नॉट मेकिंग एनी फ्लो ई कहता है टू नो सो मच अबाउट दम एज पॉसिबल अगेन नो फ्लो थर्ड कहता है दैट है सोशल नेटवर्किंग साइट द मार्केट जॉइंट दैट इट इज टूडे यानी कि बात की गई है अगर फेसबुक प्रोजेक्ट की तभी बताया है कि कैसे इस साइट को मार्केट जॉइंट बनाया गया यानी कि ये बी एंड एफ टूगेदर डू हैव अ लिंक एंड दि डू फ्यूज टूगेदर वेरी वेल सिमिलरली अगर आप बी uh, और एफ को सोल्व करने के बाद देखिए कि सी आपका क्या कहता है तो सी कहता है इन द हॉल ऑफ फेम ऑफ विमेन ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग एंड पेंटिंग देयर नेम ऑन इट इसका भी डी से कोई संबंध नहीं है इसका ई e से भी कोई संबंध नहीं है एंड एफ इज ऑलरेडी बिन टेकन सिमिलरली ए इज ऑल्सो इन एबसमल उसका भी किसी और से कोई रिलेशनशिप नहीं बैठता यानी कि द ओनली टू सेंटेंसेज विच हियर फ्यूज टूगेदर वेरी वेरी वेल आर बी एंड एफ तो हम कह सकते हैं येस बी एंड एफ इज द ओनली चॉइस विच इज़ सूटेबल बिकॉज वो ही एक ऐसा ऑप्शन है जो बिल्कुल परफेक्टली जेल हो रहा है एंड ये मेनी ऑफ यू हैव ऑल्सो पॉइंटेड आउट कि हाँ जी बी विल बी द बी एंड एफ आर द ओनली चॉइस एंड दोज हैव नॉट I hope now you कि क्यों खाली यहां पर फिट बैठ रहा है इसको कैसे हम सोल्व करेंगे इसमें जो कॉलम नंबर फर्स्ट है एलिफेंट प्रेफर वन टस्क ओवर बी कहता है एलिफेंट यूज टू लिख दे कैन पिकअप सी कहता है एलिफेंट हर्ड्स आर मेट्रियाल नाउ वट यू मीन सोसाइटी और एनी ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन विच इज लेड बाई वहां पे द मोर डोमिनेंट रोल इज दैट ऑफ वेमेन वेरी अनलाइक आर सोसाइटी बिकॉज वी नो इट इज पेट्रियाकल सो बट वी आर टॉकिंग अबाउट द एलिफेंट हर्ड और कैसे दे आर मेट्रियाकल इन नेचर नाउ विद ओल्डर फीमेल टेकिंग अगले कॉलम में यानी कि कॉलम नंबर टू में जो तीन ऑप्शन हैं वो कुछ इस प्रकार है कि डी कहता है केयर ऑफ द काव्स एंड प्रोटेक्टिंग दैम वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर ई कहता है जस्ट एज ह्यूमस आर मोस्टली आइदर लेफ्ट और राइट हैंडेड ई कहता है सबसोनिक रंबलिंग्स यानी कि नॉइजेज ग्रम्बलिंग नॉइजेज नॉइजी जो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं आवाजे लाउड आवाजें होंगी सबसोनिक रंबलिंग्स लेकिन यहाँ बात हो रही है सबसोनिक रंबलिंग्स की यानी कि बहुत माइन्यूट आवाजें मेड बाय अदर एलिफेंट्स थ्रू वाइब्रेशन इन द ग्राउंड ठीक है अब अगर हम कॉलम नंबर वन में से ए ऑप्शन को देखें तो क्या uh, है उसका सही उत्तर ए ऑप्शन कहता है एलिफेंट्स प्रेफर वन टस ओवर अदर किस प्रकार से केयर ऑफ द काव इट ड मैच यू ई जस्ट एज ह्यूमंस कंपेरिजन है एलिफेंट्स प्रेफर वन टस ओवर दी अदर कैसे जस्ट एज ह्यूमस आर मोस्टली आईदर लेफ्ट और राइट हैंडेड येस दर इज अंप्लीट लिंक हिस्सर सो वी कैन सी ए एंड ई डू गो टूगेदर सिमिलरली बी कहता है एलिफेंट यूज देअर फीट टू लिसन अब बहुत ही अस्टोनिशिंगली दे आर यूजिंग देअर फीट फॉर देयर आप कह सकते हैं ऑडिटरी कैपेसिटी सुनने के लिए टू पिकअप वॉट

केयर ऑफ द काव्स एंड प्रोटेक्टिंग देम येसो देफ सी एंड डी ऑल्सो मैच यानी कि कौन सा सही ऑप्शन है आपका ए ई ए बी एफ एंड सी एंड डी सो यू कैन सी कि येस ऑप्शन नंबर टू इज एप्सोलूटली करेक्ट एंड आई कैन सी कि कुछ लोगों ने दिया है सही उत्तर विच इज एक्सट्रीमली गुड विच मीनस यू हैव गॉट देंग ऑफ इट और अगर नहीं भी तो आईम श्योर sure आपको कॉन्सेप्चअली सब कुछ क्लियर हो रहा है फ्यू मिस्टेक्स ऑलवेज भी कीप मेकिंग विच इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग विच इज एप्सोलूटली फाइन अल्टीमेटली द मूवी प्रैक्टिस द मूवी नो एंड इसी बात पर देखिए अगला सवाल भी आ रहा है हमारे सामने एंड दिस इज ऑल्सो अ लास्ट ईयर क्वेश्चन वन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो चलिए इसको भी देखते हैं वट इज द क्वेश्चन ट्राइंग टू से कॉलम नंबर वन पे फोकस कीजिए ए सेंटेंस कहता है द कंपनी इज ऑफर्ड अ बी कहता है आसनल इज अ शू इन सी कहता है ही लैक द ए कहता है द कंपनी इज ऑफर्ड अ ठीक है ऑलवेज रिमेंबर यहां बात हुई है किसी तरह की कंपनी की लेकिन यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज है यूजुअली अब तक जो सेंटेंसेस हमने देखे थे अलग अलग कॉलम्स में दे वर टोटली क्रिएटिंग अ स्टोरी दे वर टोटली रिलेटेड टू वन ऑफ़ अ टॉपिक किसी फिनोमिना के किसी एक इवेंट के बारे में बात करते थे लेकिन यहां बहुत ज्यादा डिफ्रेंशिएटेड सेंटेंसेज हैं वन सेंटेंस इज नॉट नेसेसरली मैचिंग दर सेंटेंस क्यों सब अलग अलग बातों में जा रहे हैं सब अलग अलग डायरेक्शन में बात कर रहे हैं इंडिविजुअली so, okay. एक अच्छी क्लू है कि हमें साथ में लेकर नहीं पढ़ेंगे डिफरेंटली वी विल हैंडल दिस नाउ इसलिए एक को एक साथ ही करके खत्म करेंगे वी विल नॉट रीड द फुल थिंग फर्स्ट द कंपनी इज ऑफर्ड वू विन द टाइटल दिस रीजन नो सेंस

समथिंग विच इज और समबडी हु इज वेरी वेरी लाइकली टू विन समबडी जिसके जीतने के जिसके विक्ट्री के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं एक्सट्रीमली आप कह सकते हैं कैंडिडेट हु इज डीम्ड टू बी वेरी वेरी फिट फॉर विक्ट्री जो जीतने के लिए किसी इंटाइटलमेंट के लिए बिल्कुल केपेबल माने जाते हैं उन्हें शू इन कहा जाता है सो आसन इज ए शू इन फॉर वॉट टू विन द टाइटल सीजन येस बिकॉज अगर बात की गई किसी के लाइटलीहुड की जीतने के तो ऑब्वियसली बात होगी उनके विन करने के टाइटल की दैट इज वाई डी एंड कहता है जॉब अब बिफोर यू एक्चुअली सी दिस गेट एक्साइटेड एंड जम्प इन टू लिंकिंग सी एंड ई थिंक वंस वाई बिकॉज यहां सेंटेंस में बहुत बड़ी गलती है गलती किस बात की है ही लैक गलती है किस बात की गलती इस बात की है कि यहाँ पे सब्जेक्ट तो आपका सिंगुलर है लेकिन वर्ब आपका भी सिंगुलर दिया गया है इन आर लेक्चर्स फैक्सल्फ मैंने आपको रूल बताया था कि जब भी आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल होगा ही होगा और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब सिंगुलर होगा ही होगा आई हैड आस्ट यू टू रिमेंबर दैट गोल्डन रूल ऑल द टाइम इसीलिए उस रूल के तहत उस रूल के अनुसार अकॉर्डिंग टू दैट रूल इट साल दिस इज अ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट वी शुड हैव सेड ही ही लैक्स द वी कांट से है दैट इज व्हाई ये भी रूल्ड आउट है अब क्या बचा है हमारे पास खाली बी एंड डी तो हमें कहना पड़ेगा कि यस, बी एंड डी इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन क्योंकि ना कि सिर्फ आपस में जेल करते हैं देखिए जेल तो ये भी करते हैं इवन सी एंड ईल्सो जेल बट ब्लाइंडली वी कैन नॉट टिकम वाई बिकॉज दर इज एन एरर इन इट वी हैव टू टिक एंड सिलेक्ट दो सेंटेंसेज ओनली विच आर कमिंग ग्रामेटिकली करेक्ट इन अ फ्लो जो ज्वाइन तो हो ही रहे हैं लेकिन साथ में सही भी है गलत सेंटेंसेज को ज्वाइन करना इज नॉट समथिंग दैट वी हैव टू डू हिस्टर उ क्वेश्चन नंबर टेन ये आपका करेक्शन वाले पोर्शन में से है नॉट कंप्लीशन क्योंकि अब वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंटेंस करेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट पार्ट देखते हैं यहां हमें क्या करना है जैसा कि मैंने आपको बताया था एक गलत जो फ्रेज या वर्ड्स है वो हाईलाइटेड है वी हैव टू आइडेंटिफाई एंड वी हैव टू रिप्लेस दम विद्स डू इट फार्माज इन नॉर्थ इंडिया नॉट ओनली कैन हेल्प

शुड हैव यूज द वर्ब फर्स्ट इनको पहले यहां पे वर्ब बताना है उसके बाद अपने पूरे सेंटेंस को कैरी फॉरवर्ड करना है इसलिए दिस नीड्स अ चेंज नाउ फार्मर्स इन इंडिया नॉट ओनली कैन हेल्प नहीं होगा इट शुड बी ओनली कैन नॉट हेल्प नहीं बिल्कुल गलत है कैन नॉट ओनली हेल्प यस इट इज लुकिंग सो फार गुड सी कहता है कैन ओनली नॉट हेल्प डी कहता है नॉट कैन ओनली हेल्प एब्सोल्यूटली ये भी सेंसलेस है और ये भी नहीं सही है और ये हम कह ही नहीं सकते बिकॉज गलती तो है तो गलती को ठीक कैसे किया जाएगा कैन नॉट ओनली हेल्प अब सेंटेंस क्या हो जाएगा येस दैट इज अ वेरी गुड एक्चुअली सम ऑफ यू आर सेनफैक्ट मेनी ऑफ यू आर सेंग बी विच इज अ वेरी यू कैन से

Over oh, ever since it took as a decision making food fortification illegal. jab se ek decision liya hai over making food fortification. Fortification forts create karna nahi not at all. Fortification se matlab hai ki किसी चीज़ को किसी आप कह सकते हैं food product में कोई element को add करना। जैसे कि आप देखेंगे आपके जो ready to eat cereal होते हैं आजकल उसमें लिखा रहता है fortified with vitamin D, fortified with vitamin E, fortified with कैल्शियम यानी कि किसी भी चीज की वैल्यू को बढ़ाना किसी से फोर्टिफाई करके उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने की बात है तो कैसे इस मूव को गलत कहा गया है और क्रिटिसिज्म भी मिला है किसको फूड रेगुलेटिंग अथॉरिटी को लेकिन क्या हम इसको ठीक माने ठीक नहीं है फूड रेगुलेटर आर फेसिंग अरेज बिल्कुल गलत है एक तरफ तो कहा गया है इट टूक यानी कि सिंगुलर आप कह सकते हैं प्रपोजिशन प्रोनाउन से इसको बताया uh, गया है दे आर यूजिंग अ सिंगुलर प्रोनाउन फॉर इट इट और एक तरफ कहते हैं आर दिस इज एब्सोल्युटली इट करेक्ट क्या चेंजेस होंगे इसमें द फूड रेगुलेटर हैड बीन फेसिंग अ क्रिटिसिज्म नहीं हैव बीन फेसिंग हैव तो हो ही नहीं सकता बिकॉज यहां पर बात हुई एक सिंगुलर एंटिटी की सो हाउ वी कैन से हैव वी कांट से दैट इज फेसिंग अ फिर है करेक्ट आंसर इज डी अब आप पूछेंगे क्यों करेक्ट आंसर डी है क्योंकि यहां बात हो रही है एक कॉन्टिन्यूस सेंस में कि जब से ऐसा हुआ है जब से फूड रेगुलेटिंग अथॉरिटी ने टेक ओवर किया है जब से उन्होंने अपना रोल शुरू किया है तब से क्रिटिसिज्म होता आ रहा है इट इज नॉट अ वन ऑफ थिंग एक बार क्रिटिसिज्म हो गया और बात खत्म हो गई दैट इज नॉट बीइंग डन बात हो रही है कि इट हैज कॉन्टिन्यूसली फेस क्रिटिसिज्म लगातार उनकी बुराई की जा रही है दैट इज व्हाई इट हैज बीन फेसिंग कॉन्टिन्यूसली ठीक है इसलिए होगा ऑप्शन नंबर डी और हैज इसलिए क्योंकि क्योंकि एंटिटी आपकी सिंगुलर है तो इसलिए हैज यूज होगा हैव कभी यूज नहीं होगा इसलिए बी ऑप्शन नहीं आ सकता ऑलवेज रिमेंबर दैट अब अगला सवाल चल के देखते हैं प्लीज डू विद मी और देखते हैं कैसे इसको हम करेंगे सॉल्व यहां पर रिप्रेजेंटेशन फॉर ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ ग्लोबल फूड ट्रेड बट इट इज द मोस्ट एप्ट वन कहा गया है कि द सेमी सीड जो है वो बहुत अनलाइकली लगता है किस चीज के लिए रिप्रेजेंटेशन फॉर ट्रेस अब रिप्रेजेंटेशन कैसे हो गया अगर किसी चीज को यूज किया जा रहा है एज अ सैंपल फॉर ट्रेसिंग समथिंग तो वो क्या होगा रिप्रेजेंटेशन होगा कि रिप्रेजेंटेटिव होगा इट विल बी रिप्रेजेंटेटिव वर्ड इज रॉन्ग और वैसे भी गलत है क्योंकि लिखा है फॉर ट्रेस या तो वो कहते फॉर ट्रेसिंग यू कांट से फॉर ट्रेस तो कहां है सही उत्तर वेर इज इज राइट ऑप्शन लेट्स सी ए कहता है रिप्रेजेंटेटिव टू ट्रेसिंग अगला कहता है रिप्रेजेंटेटिव टू ट्रेस थर्ड कहता है रिप्रेजेंट फॉर ट्रेसिंग लास्ट कहता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ट्रेस तो कौन सा सही है आप बताइए सम पीपल आर सेइंग डी सम पीपल आर सेइंग बी बहुत कंफ्यूजन है यहां पे uh, लेकिन इसका जो सही आंसर है कुछ लोगों ने ए भी कहा है लेकिन द राइट आंसर हियर हैज टू बी इट इज एन अनलाइकली रिप्रेजेंटेटिव टू

इसमें कोई गलती नहीं है वी कैन से हियर एप्सोलूटली नो करेक्शन इज रिक्वायर्ड लेकिन अगर हम इसको कहते कंटेंशन बिटवीन या कंटेंशन आप कह सकते हैं बिटवीन होम बिटवीन पीपल फ्रॉम डिफरेंट कास्ट तो भी ये बहुत ज्यादा गलत नहीं होता दैट कुड हैव वल्सो अ रिप्लेसमेंट लेकिन ये भी अपने आप में बिल्कुल सही है अगला कहता है द वाइल्ट ऑफ द थिंग दैट कैन बी डन बाय अ पर्सन इज टू इल ट्रीट डॉग्स एंड अदर डिफेंसलेस एनिमल्स वाइलेस्ट बहुत ही गलत चीज बहुत ही नेगेटिव चीज बहुत ही चीज समथिंग इज हुई इनह्यूमन एंड नॉट जस्टिफाइड अनएथिकल चीज कि हम कर सकते हैं वो क्या है इल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स अब वाइलस्ट ऑफ द थिंग दैट कैन बी डन इज नॉट करेक्ट क्यों क्योंकि सही उत्तर क्या होगा वाइल्ड थिंग्स दैट कैन बी डन बाय पर्सन वाइल्डेस्ट थिंग्स दैट कैन बी डन बाय अ पर्सन वाइल्डेस्ट थिंग दैट कैन बी डन बाय अ पर्सन इफ यू सी ऑप्शन नंबर तीन को आप एनालाइज कीजिए ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है यानी कि आंसर है सी क्योंकि सी बताता है कि थ्री इज ओके एप करेक्ट बिकॉज दिस इज द वाइलस्ट थिंग दैट कैन बी डन बाय अ पर्सन इज टू एनिमल्स यानी कि सी इज द राइट ऑप्शन जिन्होंने कहा है ई e, जिन्होंने कहा है सी जिन्होंने कहा है बी आई होप आप समझ गए होंगे कि क्यों ये सही ऑप्शन है क्योंकि यहाँ थिंग्स है ये गलत है और यहाँ मीनिंग ही चेंज है वर्ड का सो इट विल नॉट बी अप्रोप्रिएट अगला सवाल कहता है आई नीड यू टू गिव

Give me the biggest ballpark of your figure. This is absolutely senseless. Give me a ballpark figure of how much this event is coming to cost. Again, not appropriate. यानी yani कि only one option is very very appropriate. और कुछ लोगों ने option में लिखा है A. यानी yani कि only one. That is very very good and it is absolutely correct. जिन्होंने B कहा है, वो ध्यान से देख के खुद ही read करके समझ जाएंगे कि क्यों हमने option one को सही माना है. अगला कहता है, the government cannot realize good price from certain assets, but their disposal will Helped in इन स्टॉप द ड्रेन helped इन स्टॉप द ड्रेन बिल्कुल सेंसलेस क्यों? क्योंकि इट विल हेल्प इन स्टॉपेज द ड्रेन ये भी गलत हेल्प स्टॉप द ड्रेन बी हेल्पिंग इन ड्रेनिंग एब्सोल्युटली इनकरेक्ट यानी कि कौन सा उत्तर है जो बिल्कुल सही है आप खुद देख के समझिए द गवर्नमेंट कैन नॉट रियलाइज अ गुड प्राइस फ्रॉम सर्टेन एसेट्स बट देयर डिस्पोजल विल

अगला सवाल कहता है माई फादर टोल्ड मी दैट ऑल द लेबर एंड एफर्ट वन पुट्स इन टू द प्रोफेशनल फ्रंट इज मेंट मेंट इज टू मेक लाइफ में फॉर एनी प्रोफेशनल सक्सेस कमिंग एट द कॉस्ट ऑफ पर्सनल हैप्पीनेस इज पॉइंटलेस कहा गया है वन पुट्स द प्रोफेशनल फ्रंट तो क्या होगा सही ऑप्शन वन पुट्स एट द प्रोफेशनल फ्रंट टू वन पुट्स ऑन टू द प्रोफेशनल फ्रंट अब ऑन टू तो बिल्कुल सही नहीं हो सकता वन हु पुट्स इन टू द प्रोफेशनल फ्रंट तो ये भी नहीं सही है बिकॉज़ वन होगा, सो द राइट आंसर हैज बी वन पुट्स एट द प्रोफेशनल फ्रंट किसी फ्रंट में किसी चीज को अप्लाई करना यानी कि पहला वाला ए ही एबसोलूटली करेक्ट है सम पीपल आर सेइंग बी सो आई जस्ट वांट टू नो कि बी तो बिल्कुल सही नहीं होगा इफ यू रीड इट केयरफुल आप खुद ही समझ जाएंगे कि ए इज मोस्ट लाइकली योर ओनली करेक्ट चॉइस और अगर हम आप लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो कहता है अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू डब्ल्यू एफ द स्मॉल आइलन नेशन ऑफ समोआ वॉज द फर्स्ट इन स्विचिंग ऑफ इट्स लाइस्ट इन सपोर्ट ऑफ द अर्थ आवर कैसे नेशन ने फर्स्ट इन स्विचिंग ऑफ इट्स स्लाइसड तो क्या होगा सही उत्तर अगर ये गलत है तो फर्स्ट इन फर्स्ट टू स्विच ऑफ यहां पे ऑफ गलत है ये ऑफ वो वाला ऑफ नहीं है जो हम कह रहे हैं यानी कि बंद करना बी कहता है फर्स्ट टू स्विच ऑफ सी कहता है द फर्स्ट टू स्विच ऑफ डी है द फर्स्ट इन स्विचिंग ऑफ यानी कि जो सही आपका उत्तर है वो है द फर्स्ट टू स्विच ऑफ यानी कि बी इज एप्सलूटली करेक्ट एंड ये पीपल आर सेइंग बी लेकिन जो ए कहते हैं वो ध्यान से देखिए कि ऑफ यहां गलत इसलिए है बिकॉज ये सिंगल ऑफ है डबल नहीं We have to close the lecture today now, and we have done a fair amount of questions from both the portions sentence correction as well as sentence. कंप्लीशन आई होप आपको बहुत इंसाइट मिल गया होगा दोनों टॉपिक्स में जैसे भी हमने प्रैक्टिस यहां की है प्रीवियस या क्वेश्चन की प्लीज आप उसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए आई होप यू इंजॉय टूडे सेशन वी विल मीट वेरी सून विद अनदर एंड न्यूअर टॉपिक्स एंड मोर प्रैक्टिस सेशन इन द मीन टाइम थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अटेंडेड द लेक्चर प्लीज 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 डू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज तभी आपको पता चलेगा कौन कौन से लेक्चर्स अपलोड किए जा रहे हैं एंड यू विल बी बेटर प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग एग्जाम विशिंग यू ऑल द सक्सेस थैंक यू सो मच